मैं मेरे ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। लास्ट ईयर ऐसे बीता है, बीतने के बावजूद भले ही इतना कुछ मैंने अचीव किया था, अभी भी शायद मैं खुश नहीं हूँ। एंड उसी रीज़न के कारण मैं अभी ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुका जहाँ पे मुझे लगा था कि शायद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा था। एंड दैट वॉज द ओनली रीज़न कि मैं 3 महीने से ब्रेक पे हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ट्रैवल करने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कैमरा भी उठाने का, क्योंकि मैं बहुत बार अपने आप को बोल चुका था कि यार शायद ये नहीं हो रहा है मेरे से। एंड ऐसे चलता रहा तो शायद भले ही हम पैसे कमा रहे, भले ही हम इतना ट्रैवल कर पा रहे, पर तभी भी शायद मैं इसको आगे परस्यू नहीं कर पाऊँगा। स्वागत है गाइस आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। कैसे हो सभी लोग? तो यार फिलहाल मैं हूँ हैदराबाद इंडिया। आई थिंक कुछ अराउंड 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए मैं ऐसे कैमरा में वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टाइम हो गए भाई ट्रैवल करे हुए, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक लास्ट के 3-4 साल में आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा मैं घर पर बैठा हूँ। बहुत कुछ बीता है, बहुत कुछ हुआ है लास्ट के साल की अगर बात करें। एंड क्या रीज़न था, इतने टाइम से भाई कोई भी वीडियो बनाया नहीं है। इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं कि भाई कहाँ हो। कोई कोई लोग तो मैसेज कर रहा है कि भाई क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया आप लोग। कोई लोग बोल रहे हैं या फिर क्या है, मतलब तबियत खराब है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मुझे भी समझ आ रहा है कि यार बहुत सारे लोग क्यूरियस हो क्या हो चुका मेरे को अचानक से कि यार वीडियो बनाते बनाते मैं रुक गया एंड उसके बाद कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ। तो यार सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे हम कवर करेंगे ये वाले वीडियो में। एंड यही मकसद है मेरे ये वाला वीडियो बनाने का कि आपको मैं अपडेट दूँ कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है एंड लास्ट के 3 महीने उसमें कहाँ हूँ, क्या रीज़न है कि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा। तो ये वाला वीडियो थोड़ा पर्सनल जरूर होने वाला है गाइस, तो इस वाले वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एंड तक देखना। इसलिए नहीं कि यार YouTube एल्गोरिथम के लिए बढ़िया है, इसलिए कि यार आप लोगों को सब कुछ चीजें जो है समझ आए और जो पूरी पिक्चर है आपको वो समझ आए कि यार मेरे जिंदगी में हो क्या। तो ये वाली वीडियो हमारी 2024 की पहली वीडियो है। अभी मार्च का है भाई, बीच में चल रहे हैं हम, 20 मार्च के अराउंड चल रहे हैं। बट 2023 की अगर मैं बात करूँ तो यार ये जो साल रहा है वो आई थिंक मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर रहा है। ये 2023 में मैंने ऐसे ऐसे चीजें अचीव करे जो मैं जिंदगी में कभी सोच सकता था कि मैं कभी ये सब अचीव भी कर सकता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स अगर बताऊँ जो मैंने अचीव किया वो है, लास्ट ईयर में 23 इयर्स का था, इस बार 24 इयर्स का हूँ। अभी रिसेंटली फिर से बर्थडे आ रहा है मेरा, 25 साल का हो जाऊंगा मैं। बट लास्ट ईयर 23 इयर्स में हमने 23 कंट्रीज कवर किया था, जो कि मेरे लिए इतना क्रेजी चीज है कि यार 23 साल की उम्र में मैंने 23 कंट्री घूम ली। जो बहुत से लोग हैं जिंदगी में उनका सपना होता है इतनी कंट्री घूमने का, बट अगेन मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके बारे में कि यार हमको अचीव करने को मिला। 500K सब्सक्राइबर्स मार्क तक हम लोग पहुंचे हैं लास्ट ईयर, जो कि अगेन ऐसी चीज है जो मैं जिंदगी में अगर 3-4 साल पहले आपने पूछा होता कि कभी आप ऐसे जगह पे अपने आप को क्या समझ सकते हो, तो मैं बोलता कि यार तू पागल है, कभी मैं ऐसी जगह पे पहुंच नहीं सकता। एंड कभी मैं अपने आप को सोच भी सकता था कि मैं ऐसी जगह पे पहुंच भी पाऊंगा। एंड उसके बारे में अगर मैं फाइनेंशियली बताऊँ तो यार लास्ट ईयर 2023 में आई थिंक मैंने पर्सनली जिंदगी में आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। एंड बस पैसों की अगर मैं बात ना करूँ तो बहुत सारे मैंने ऐसी चीजें करे हैं जो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे यार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2023 जो है वो जिंदगी का ऐसा साल रहा है जो अभी तक का सबसे बेस्ट ईयर रहा है। बट तभी भी आई थिंक मैं मेरे ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। लास्ट ईयर ऐसे बीता है, बीतने के बावजूद भले ही इतना कुछ मैंने अचीव किया था, अभी भी शायद मैं खुश नहीं हूँ। एंड उसी रीज़न के कारण मैं अभी ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुका जहाँ पे मुझे लगा था कि शायद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा था। एंड लास्ट ईयर जब मैं ताइवान थाईलैंड ट्रैवल करके आया, मैं जब फ्लाइट से आ रहा था इंडिया वापस, मैं बस यही सोच रहा था कि यार अभी मैं शायद जितना कोशिश करूंगा कि अपने आप को मैं घर पे रखूं। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं 3 महीने से ब्रेक पे हूं। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ट्रैवल करने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कैमरा भी उठाने का। एंड अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो यार मैं बर्न आउट हो गया। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि यार ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा साल अगर मैं आउटसाइड तरीके से देखूं तो यार इतना बढ़िया गया है मेरा साल, बट तभी भी अगर मेरे को पर्सनली पूछो तो मैं खुश नहीं हूँ। ये इसलिए गाइस कि मैं एक रैट रेस में फंस चुका था। जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब तब मुझे आइडिया नहीं था कि यार, हाँ मुझे ज़रूर पता था कि जो चीज़ें होने वाली वो बड़ी लेवल पे होंगी अगर मैं बड़ा होऊंगा जब भी हमारा चैनल ग्रो होगा, बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार जैसे जैसे हम ग्रो होंगे तो जर्नी जो है इतना मुश्किल होता रहेगा। एंड मुझे लिटरली पता नहीं था कि जो चीज़ें मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। मैंने तो यार शुरू किया था ऐसे कि यार मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना पसंद है, यही सोच के हमने शुरू किया था। बट वो टाइम पर जो चीज़ें थी वो बहुत ही अलग लेवल पर काम कर रही थी। वो टाइम पे मुझे उतना प्रेशर नहीं होता था कि यार वीडियो बनाना है एंड वीडियो बनाने के बाद मुझे इतने व्यूज़ चाहिए हर वीडियो में, या फिर कोई भी ऐसे गोल्स नहीं होते थे मेरे। मैं बस फन के लिए वीडियो बनाता था, मैं बस वीडियो अपलोड किया कि यार अगर कोई देख रहा है बढ़िया है, नहीं देख रहा है तभी भी बढ़िया है। बट अभी यार ऐसा हो गया है कि यार चीज़ें जो है बहुत अलग लेवल पर हो चुकी हैं, चीज़ें जो है बहुत सीरियस हो चुकी है, एक काम हो चुका है अभी। एंड ये
मेरी रोजी रोटी है, ट्रैवलिंग जो है मेरी रोजी रोटी है। अभी अगर कुछ चीजें इफेक्ट हो रही है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है कोई चीज, तो वो बहुत ज्यादा पर्सनली इफेक्ट कर रही है। तो ये एक रैट रेस में फंस चुका था जहाँ पे यार मुझे रोज हर ऑल्टरनेटिव डे वीडियो अपलोड करनी पड़ रही थी। बहुत सारे ऐसे दिन थे कैमरा में तो हम दिखा नहीं पाते यार, इसलिए मैंने बताया कि ये बहुत पर्सनल वीडियो होने वाला है। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे दिखेंगे, लोग मुझे पता नहीं ये कैसा होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ। बट मुझे पता था कि ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे अंदर से ही चुभ रही थी ये बात कि जो चीज़ आप कैमरा में देखते हो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही एक्चुअली मेरी ज़िंदगी एक क्रिएटर की वैसी हो। तो आई थिंक इसी प्रेशर एंड इसी रैट रेस की वजह से गाइस मुझे लगता था कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो मेरा ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं इतना थका हुआ रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इतना थका हुआ रहता था ट्रैवल करते टाइम। तो अगेन मैं वीडियो में जरूर दिखा नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या ही मैं अभी आप लोग को बताऊँ कि मैं कितना काम कर रहा हूँ पीछे बिहाइंड द सीन। मुझे लगता था कि शायद ये आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं होंगे एंड अब कौन रो रहा है, एंड आप लोग आए हो ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए तो क्यों ही मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ आपको। बट इतना थका हुआ रहता था, बिलीव नहीं करोगे कि रोज़ मैं रात रात चार चार बजे तक मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियोस को, फिर सुबह उठ रहा हूँ 10-11 बजे फिर शूट कर रहा हूँ, फिर शूट कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ हॉस्टल में आने के बाद फिर एडिट कर रहा हूँ, एडिट करके 3-4 बजे तक सो रहा हूँ एंड फिर उठ रहा हूँ सुबह, फिर सेम रूटीन। तो ये रूटीन यार रोज़ का हो चुका था मेरा, जहाँ पर रोज़ उठ रहा हूँ शूट कर रहा हूँ एडिट कर रहा हूँ फिर सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ शूट कर रहा हूँ एडिट कर रहा हूँ सो रहा हूँ। तो यार मतलब ये इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका था एक टाइम पे कि यार समझ नहीं आ रहा था कुछ कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों कर रहा हूँ मैं। तो यार ये सारी चीज़ों की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था एंड मेरे को लगा था कि यार शायद मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे ज़रूरत है कि मैं परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूँ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि लास्ट के 3-4 साल में यार आई थिंक ये जो अभी 3 महीने का ब्रेक लिया वो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक बोल सकते हो आप लोग। तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन नहीं तो 1 महीना मैक्सिमम ब्रेक होता था और उसके बाद फिर से मुझे निकलना पड़ता था। तो जो एक घर के साथ रहने का जो पहले होता था कि घर पे रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर वालों के साथ, घर का खाना खा रहे हैं, वो सारे चीज़ें अगेन मैं मिस कर रहा था। अगेन आप लोग बोल सकते हो कि यार ये तो तेरी खुद की चॉइस थी, तूने खुद ही चूज़ किया है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ मेरी खुद की चॉइस थी, बट मुझे कभी पता नहीं था कि यार ये जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती रहेगी। एंड मुझे क्योंकि इसका सोल्यूशन पता करना था इसीलिए मैंने ये ब्रेक लिया एंड हमने सोल्यूशन फिगर आउट किया भी है, जो कि अगेन मैं आने की वीडियो में बताऊंगा आपको क्या चीज़ें हमने प्लान किया है। पर ये बना तो मेन रीज़न था गाइस कि मेरे को एक ब्रेक चाहिए था। अगर मैं ब्रेक नहीं लेता तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको छोड़ देता, यूट्यूब को मैं छोड़ देता, क्योंकि मैं बहुत बार अपने आप को बोल चुका था कि यार शायद ये नहीं हो रहा है मेरे से एंड ऐसे चलता रहा तो शायद भले ही हम पैसे कमा रहे, भले ही हम इतना ट्रैवल कर पा रहे, पर तभी भी शायद मैं इसको आगे परस्यू नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ जिसके कारण मुझे लगा था कि यार मुझे ब्रेक लेके इसके बारे में सोचना पड़ेगा वो है गाइस कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत बारी लास्ट के 3-4 साल से जब हम वीडियो बना रहे हैं, जो मेरा और आपका कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, देखो गाइस इसका कोई डाउट नहीं है कि जहाँ पे फिलहाल मैं बैठा हूँ जितने भी चीज़ें मैंने अचीव करी हैं उसका पूरा हकदार आपका है। आप लोगों ने प्यार दिखाया उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों ने प्यार दिखाया इसीलिए मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है गाइस एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके बीच में, जो कि आई थिंक मुझे लगता है हमारे चैनल में मिसिंग आउट है, जहाँ पर हम मेरे और आपके बीच में एक पर्सनल टच जो कनेक्शन जो होता है वो मैं ठीक से बिल्ड नहीं कर पाया। तो उसको अगेन हम ये साल में एंड आगे के टाइम में हम कोशिश करेंगे। मैं मेरे बारे में आपको और बताऊं, मेरे को लगता है कि अगर आप मुझे इतना टाइम देके देख रहे हो तो आपका भी हक बनता है कि मेरे बारे में आप जानो, मेरे साथ क्या हो रहा है वो भी आप जानो एंड हम उसी के साथ ग्रो करें। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी वीडियोस तो आप तक पहुंच चुकी है बट आई थिंक मैं आप तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो उससे भी हम अभी काम करेंगे एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि जितने भी पर्सनल टच है वीडियोस में वो मैं ला पाऊँ अभी से जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं। ट्रैवल जब करते हो गाइस ज़रूरी नहीं होता हर दिन आपका बढ़िया हो, हम ट्रैवलिंग करते करते ज़रूर हम बता देते हैं कि कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा है एंड चीज़ें कितनी सही चल रही है, बट बहुत दिन ऐसे होते हैं जब आपको कैमरा उठाने का मन नहीं करता, बहुत दिन ऐसे होते हैं जब मेरे को पर्सनली ट्रैवल करने का मन नहीं करता, मुझे बस लेटने का मन करता है, बट तभी भी वो हम बताते नहीं है, वो हम दिखाते नहीं है। आई थिंक मेरे को लगता है अगर आप लोग भी कोई क्रिएटर देख रहा है वीडियो तो ज़रूर आप लोग अगर ब्रेक लेना है आपको तो ज़रूर लो। हाँ वीडियोज़ में व्यूज़ ज़रूर कम हो जाएंगे, अभी ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसमें शायद ही कोई व्यूज़ आएगा, क्योंकि यूट्यूब काम ही ऐसे करता है, अगर आप नहीं वीडियो डालोगे तो आपको रिकमेंड करना छोड़ देता है एंड अगेन जो रिकमेंडेशन है बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूँ एज ए क्रिएटर होता ना बहुत डिफिकल्ट है एंड शायद बहुत सारे लोग कर नहीं पाते एंड इसीलिए वो बर्नआउट हो जाते हैं, जो कि मेरी सिचुएशन थी लास्ट ईयर की मैं बात करूँ। बट मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लो, अगर आप क्रिएटर भी नहीं हो, अगर किसी और काम में भी हो तभी भी आप ब्रेक लो, क्योंकि ब्रेक
लेने से आप चीज़ें जो है अलग नज़रे से देखना शुरू करते हो एंड जो जर्नी होती है वो आपकी काफ़ी बढ़िया होने लगती है। एंड और एक दिक्कत गाइस जो मेरे को पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, ये आई थिंक लास्ट ईयर के एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो आप लोग, आई थिंक अगस्त के बाद की बात अगर मैं करूँ जब मैं यूरोप गया था, यूरोप से ही मेरे को ये वाला जो ख्याल है वो आना शुरू हो चुका था। वो ये है कि जो कि अगेन आप लोगों ने मेरे ट्रैवल मेरे वीडियोस में भी आप लोगों ने गौर किया और कि मेरे को एक काइंड ऑफ आइडियाज ही बंद हो गए थे। जब हम ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं तब हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कैसे हम बनाते हैं वीडियोस, बहुत रिसर्च करना पड़ता है कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, तो सारा कुछ हमको देखना पड़ता है। एंड आई थिंक वो टाइम ऐसा था जब मेरे को कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, कहाँ ट्रैवल करूँ। ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ मैंने कवर कर लिया एशिया की अगर मैं बात करूँ, एंड मुझे कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज आए नहीं रहे थे। एंड इसीलिए यही रीज़न है कि मैं दो बार चाइना ट्रैवल किया, दो बार ताइवान ट्रैवल किया एंड जो कंट्रीज है वो बार बार रिपीट कर रहा था। एंड बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट भी कर रहे थे यार हमको बस दूसरे कंट्री दिखाओ, हम बोर हो चुके हैं यही कंट्री देख देख के, आप बार बार हमें क्यों वही कंट्री दिखा रहे हो। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न इसका यही था कि मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास आइडियाज ही नहीं थे कि मैं और कहाँ ट्रैवल करूँ। एंड इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था कि मेरे पास यूएस वीज़ा नहीं था। अगर यूएस वीज़ा होता तो शायद मैं साउथ अमेरिका ट्रैवल कर पाता, वो जितने भी साइड है एशिया के बाहर के साइड है वो हम ट्रैवल कर पाते हैं। इसीलिए मेरा ये 3 महीने का सबसे बड़ा गोल था कि मैं यूएस वीज़ा अप्लाई करूँ। एंड लकीली फरवरी के महीने में, आई थिंक दिसंबर के महीने में मैंने अप्लाई किया था, मैं फरवरी के महीने में मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिली थी एंड मेरा इंटरव्यू हुआ यूएस वीज़ा का। एंड मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है बोलते हुए कि हमको जो यूएस वीज़ा है वो मिल चुका है। ये मेरा वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टोरी है अगेन 2024 की अगर मैं बात करूँ। इंटरव्यू लिटरली 3 मिनट का हुआ है इंटरव्यू, ठीक है 3 से 4 सवाल करें। जहाँ पर उसने पूछा कि आप करते क्या हो, सबसे पहले आप क्यों जा रहे हो यूएस एंड आपने पढ़ाई क्या किया है, बस ये 3 सवाल पूछे उसने। उसने ना तो पूछे कि आप कितने कमाते हो, कुछ नहीं पूछा उसने। एंड 3 मिनट में मेरा वीज़ा हो गया, उसने बोल दिया आपका वीज़ा खत्म हो गया, आप 1 हफ्ते में ले लो। 1 हफ्ते में उसने बोला मुझे 3 दिन में वीज़ा मिल गया। तो ये थी मेरी भाई यूएस वीज़ा की जर्नी। मुझे अभी यूएस वीज़ा मिल गया तो उसके हिसाब से अभी हम साउथ अमेरिका भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो मेरी आइडिया की दिक्कत थी वो भी हमने जो आई थिंक किसी हद तक अभी हम और एक्सप्लोर कर पाएंगे, एशिया के बाहर ट्रैवल कर पाएंगे, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, जिसको अगेन मैं काफ़ी स्टक था, मैं समझ नहीं आ रहा था, जो कि अगेन हमने ये 3 महीने में सॉल्व। तो यही रीज़न के कारण गाइज मैं हरदम लोगों को रिकमेंड करता हूँ गाइज, कभी भी आप लोग या ट्रैवलिंग को अपना काम मत बनाओ। अगेन डिपेंड करता है गाइज कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार मैं तो ट्रैवलिंग के बहुत पैशन हूँ इसलिए मुझे इसमें काम करना है, बट लोग समझ नहीं पाते जब आप क्रिएटर बनते हो, जब यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बनाना शुरू करते हो, आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भी समझना पड़ता है। ट्रैवलिंग तो यार सभी को पसंद है, किसी को भी पूछ लो आप उसको बोलो कि ट्रैवलिंग पसंद है तो वो हाँ ही बोलेगा। ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ें सबको पसंद होता है, बट जो यूट्यूब है, यूट्यूब का जो स्ट्रगल है, जो इंस्टाग्राम का जो स्ट्रगल है, जो कॉन्टेंट जब बनाते हो उसका जो स्ट्रगल है, वो बहुत कम लोग उससे गो थ्रू कर पाते या फिर उसको समझ पाते, इसलिए बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए पैशनेट हो जरूरी नहीं है कि आप एक ट्रैवल क्रिएटर भी बन पाओगे। ट्रैवल क्रिएटर बनने के लिए आपको ट्रैवलिंग में तो पैशन होना चाहिए जरूरी है, बट आपको यूट्यूब के बारे में भी बहुत पैशनेट आप होना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस के बारे में आपको काफी इंटरेस्ट होना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफी इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे यार मैंने पर्सनली जो मेरी जर्नी गए शुरू की थी, तो यार मैंने इसके बारे में काफी पुराने वीडियोस में बताया कि मेरी जो एक्चुअल जर्नी है वो फ्रीलांसिंग करके शुरू हुई थी। मैंने फ्रीलांसिंग करी थी, फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए थे, उसी को फिर उसी के साथ साथ मैंने जो यूट्यूब है उसको शुरू किया था। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पर लेट्स कंसीडर आपका ट्रैवलिंग काम ना हो बट आपके काम की वजह से आप ट्रैवल कर पाओ, तो वो आई थिंक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है मेरे हिसाब से। एंड क्योंकि गाइस मुझे हरदम लोग पूछते थे कैसे हम भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे मैंने पर्सनली शुरुआत किया था मेरी जर्नी, तो इसलिए गाइस मैंने एक फ्रीलांसिंग कोर्स बनाया जहाँ पे मैंने मेरी एक्सपीरियंस शेयर करी है कि मैंने कैसे शुरू किया था मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी एंड कैसे मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी के साथ साथ ट्रैवलिंग करी है मेरी इनिशियल जर्नी में, जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, जब मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, तभी मैं कैसे ट्रैवल करता था फ्रीलांसिंग करते करते। एंड गाइस मैंने कोर्स में लिटरली जीरो से सिखाया। अगर आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तभी भी आप लोग अपनी जर्नी जो है कैसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि यार जब मैंने शुरू किया था मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था फ्रीलांसिंग के बारे में, धीरे धीरे सीखा है मैंने सब कुछ। एंड जो कुछ मैंने सीखा है लास्ट 5 साल में वही कुछ मैंने मेरे कोर्स में आप लोगों को सिखाया है। एंड गाइस मैंने लिटरली आप लोगों को रोड मैप दिया है जहाँ पे कोर्स करने का पहले 3 महीने में कैसे आप लोग 50,000 रुपए तक कमा पाओगे। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये सारा कुछ किया है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको मैं बता पा रहा हूँ। एंड गाइस हमारा कोर्स इतना सस्ता है, जो मैंने जानबूझ के इतना सस्ता रखा है कि यार आप लोग आराम से आई थिंक पहले 1 हफ्ते या फिर पहले 2 हफ्ते में जो मैंने सिखाया है उसको यूज करके आप निकाल लोगे पैसा एंड आपकी जो जर्नी है फ्रीलांसिंग की वो आप शुरू कर पाओगे। एंड गाइस मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने 5 साल में जो सीखा है, जो मेरी एक्सपीरियंस चाहिए उसको तो मैंने इंक्लूड कराई है कोर्स में।
इसी के साथ साथ मैंने इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको भी मैंने कोर्स में इंक्लूड कराया। जैसे गाइस आप लोगों ने नैस एकेडमी, जो नैस डेली का जो एकेडमी है जहाँ पे वो एडिटिंग सिखाते हैं, एंड वो एकेडमी फीस कुछ $3,000 की जो एकेडमी फीस है, कुछ अराउंड 2,50,000 की एकेडमी फीस होती है। वहाँ के जो स्टूडेंट है वो हमारे कोर्स में आए हुए हैं, उन्होंने सिखाया है कि उनके एडिटिंग एक्सपीरियंस कैसी रही, उनकी फ्रीलांस एक्सपीरियंस कैसी रही, वो उन्होंने हमारे कोर्स में सिखाया। उसी के साथ साथ हमने इंडिया के मतलब टॉप ट्रैवल ब्लॉगर्स को भी इंक्लूड कराया जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे उन्होंने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करी एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग करके वो इंडिया के टॉप ट्रैवल ब्लॉगर बने, और कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग करते करते ट्रैवल कराए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कराया कोर्स में, इसी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। जो मैंने कोर्स में फीस लिया रहेगा वो तो बहुत ही सस्ता है, एंड जान पूछ के मैंने इतना सस्ता फीस रखा है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सारे इसको अफोर्ड कर पाए, एंड अफोर्ड करेंगे तो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के साथ साथ अपनी ट्रैवलिंग जर्नी भी शुरू कर पाए। एंड मेरे हिसाब से गाइस फ्रीलांसिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चीज है, आपको बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इसमें। आप जो इसमें कोर्स में सीख रहे हो वो आराम से जितना पैसे आप खर्च कर रहे हो आराम से आप पहले एक महीने में निकाल लोगे, एंड इसमें अलग से कोई आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस चाहिए एक लैपटॉप एंड बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग हमारा वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में बताया, इन्फॉर्मेशन दिया कि कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वेबसाइट में जाके चेकआउट करोगे। एंड अभी जो प्राइस मिल रहा है गाइस वो लाइफ टाइम ऑफर है, तो ये जो प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है वो कभी आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, जो प्राइस वो बढ़ने वाली है। तो अगर आपको खरीदना तो अभी बेस्ट टाइम है जाके खरीदने का एंड अपना फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करने का। तो अभी आप लोग सोचोगे यार मैंने बता तो दिया कि यार प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस के लिए यार मैंने एक चीज सोचा, ये है कि यार अभी जो चीज़ें हैं हमारे जो चैनल में होंगी वो सारा कुछ मैं अकेले नहीं करूँगा, इसके पहले काफ़ी सारे एडिटर्स के साथ, फ्रीलांस एडिटर्स के साथ हमने काम किया हुआ है, कुछ लोगों के साथ काम बैठा है, कुछ लोगों का काम नहीं बैठा, क्योंकि जो ट्रैवलिंग में जो एडिटिंग का काम होता है काफ़ी डिफरेंट होता है अलग इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत ही अलग किस्म की स्किल सेट चाहिए होती है एडिटिंग के लिए। तो मुझे भी पर्सनली बहुत दिक्कत हो रही थी अच्छा एडिटर ढूंढने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने करा है लास्ट के 3 से 5 महीने में कि एक बढ़िया एडिटर ढूंढना है हमने। तो अभी जितने भी वीडियोज़ आप देखोगे चैनल में वो मैं एडिट नहीं करूँगा, वो कोई एडिटर एडिट करेगा, जो कि अगेन मैंने उसको आउटसोर्स किया है, क्योंकि अगेन सब कुछ तो मैं पर्सनली कर नहीं सकता, सब कुछ पर्सनली करूँगा तो यार मैं ढंग से ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। तो उसके हिसाब से ये जो सबसे बड़ा चेंज है वो हमने करा है, एंड अभी हमारे चैनल में चीज़ें जो है क्योंकि बहुत सीरियस हो रही है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रही है, तो अभी हमारा टीम है वो भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग लोगों से बनवा रहे हैं, थंबनेल कोई बना रहा है, रिसर्च काम कोई कर रहा है, एडिटिंग कोई कर रहा है, एंड जो मेरा काम है वो जो मेरे को बढ़िया आता है वो मैं कर रहा हूँ। अगेन जो चीज़ें अलग लेवल शुरू हुई सब कुछ पहले मैं ही करता था, बट अभी क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो हम लोग एक लेवल के बाद हम ग्रो हो चुके हैं, तो अभी हमको ज़रूरत है कि हम टीम के साथ काम करें, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो ये सबसे नंबर वन चीज़ें जो हमने करी है, एंड आई थिंक यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न होने वाला है हमारे ग्रोथ का इस साल, क्योंकि मेरा हरदम से रहता है कि मैं बढ़िया लोगों के साथ काम करूं, जो मेरे से बढ़िया है उन लोगों के साथ काम करें। फिलहाल अभी मेरे टीम में जो भी लोग हैं सारे लोग मेरे से बहुत बढ़िया हैं, इसीलिए वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्किल है या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आप लोग फ्रीलांसर हो तो आप मुझे ज़रूर रीच आउट कर सकते हो। मैंने अगेन बताया है कि कैसे आप लोग रीच आउट कर सकते हो क्रिएटर्स को मेरे कोर्स में, पर अगेन अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हो तो ज़रूर मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं हायर करूँ, चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई बढ़िया कोई चीज़ कर सकता है उसको मैं हायर करूँ, जिससे कि मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाए, एंड जिसके लिए मैं बढ़िया हूँ वो मैं करूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी पे आप वीडियोस देखते थे वो तो वैसे ही आएंगे अभी, बट चीज़ें जो है वो अभी अलग अलग लोगों के थ्रू होते हुए आएंगी। तो जो प्रेशर है जो मेरे पे इसके पहले था, इसके लास्ट अभी तक जितना भी प्रेशर मेरे पे था, वो आई थिंक प्रेशर मेरे में थोड़ा कम हो जाएगा अभी। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोच पाएंगे, जो काम जो है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस ये थी मेरी लास्ट के 3 महीने की एक्सपीरियंस, और क्यों मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया, जो कि आई थिंक मेरे लास्ट के 3-4 साल में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक्स जो मैंने लिया है। अभी जो फिलहाल मेरी सिचुएशन है इतना ज़्यादा मैं एनर्जाइज्ड हूँ, इतना ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ, मुझे बस मन कर रहा है कि बस मैं निकलूँ ट्रैवलिंग करने के लिए। इतना टाइम यानी 3 महीने से मैंने कोई फ्लाइट नहीं लिया, वो इतना रेयर है, मतलब आदत सी छूट चुकी है कि यार हर महीने तो फ्लाइट लेते ही हम लोग। तो लास्ट के 3 महीने से मैंने फ्लाइट नहीं लिया, एक ही शहर में बैठा हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ पर्सनली, एंड अभी से जो जर्नी है वो अगेन बहुत बढ़िया होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैवल करने वाले हैं। बस आई थिंक आज के बाद 2 दिन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, जो कि अगेन आप लोगों को आने की वीडियो में पता चल जाएगा कहाँ ट्रैवल करने वाले हम लोग। इसके पहले वो कंट्री गया हुआ हूँ, बट इस बार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे हम लोग, एंड आप लोगों ने वो वाले कंट्री को बहुत प्यार भी दिया है, ठीक है ना। एंड वहाँ से गाइस हम लोग निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली साउथ अमेरिका या फिर अमेरिकाज की तरफ, क्योंकि अभी हमारे पास यूएस से जा चुका है। तो ये मेरा अभी फिलहाल ये साल का प्लान है, बट अभी तक
परफेक्टली एग्जैक्टली प्लान कुछ नहीं हुआ है, बट ये ऊपर ऊपर से प्लान है अगर मैं बताऊँ आप लोगों को। तो ये था गाइज मेरा पूरा अपडेट कि मैं लास्ट 3 महीने से कहा हूँ। होपफुली आपको जो आंसर है वो मिल चुका होगा कि क्या कर रहा था मैं, क्यों मैंने ब्रेक लिया था एंड क्यों इतनी ज़रूरत थी मेरे लिए ये ब्रेक अगर मैं बताऊँ। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ गाइज हमारे अगले सीरीज में जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो ये वाला वीडियो आप खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज़ क्या आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा एंड जरूर कमेंट में लिखना कि यार क्या चीज़ें हैं जो हमारे वीडियोस में आप लोगों को लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं पर्सनली इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो कि एक चीज़ मैंने काफ़ी कमेंट में देखा है, लोग कमेंट करते थे कि अपने कैमरा को धीरे से हिलाओ। मैं काफ़ी हिलाता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ चीज़ों को, मैं काफ़ी ज़्यादा हिलाता था मेरे कैमरा को, जैसे कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आने के टाइम पे वो ना हो एंड जो कैमरा मूवमेंट है उसमें मैंने काम करना सीखा है। तो ये वाली वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ एंड यहाँ से हम लोग मिलेंगे हमारी पहली कंट्री एंड पहली सीरीज़ ऑफ 2024 जहाँ पे आई थिंक 2 दिन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ।